दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल लोगों का रुझान क्रिप्टो करेंसी की तरफ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मौका है जहां इन्वेस्ट करके कुछ ही महीनों में अच्छी खासी इनकम करने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सिस्टम को देखेंगे जो 1430 इथेरियम मोर देन 2 करोड़ इंडियन रुपीज़ तक कमाने का मौका देता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फोर्सेस की, जिसका नाम का मतलब ही होता है कभी ना रुकने वाला। और फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज के बारे में आप तो अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इनका एडमिन एक बार इस प्लान को डिजाइन करके वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर देता है, और उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी इस सिस्टम से नहीं कर सकता है। अगर इनका एडमिन खुद भी चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, और ना ही कभी कोई इस सिस्टम को हैक कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर रन करता है। और जब तक ब्लॉकचेन चलता रहेगा ये सिस्टम भी चलती रहेगी। तो दोस्तों फोर्सेस देता है एक जबरदस्त मौका इथेरियम अर्न करने का। तो चलिए देखते हैं फोर्सेस के पूरे प्लान को। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग प्लान है। तो दोस्तों फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए 0.05 इथेरियम का इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कि आप लगभग 1200 आइनर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके 0.05 इथेरियम को सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, फोर्सेस X3 और दूसरा है फोर्सेस X4। फोर्सेस X3 में 3 स्लॉट्स हैं और फोर्सेस X4 में टोटल 6 स्लॉट्स, जिसमें 2 स्लॉट लेवल 1 पर ऊपर और उसके नीचे 2 2 स्लॉट, टोटल 4 स्लॉट्स यहाँ पे, टोटल 6 स्लॉट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप जिस भी अमाउंट से यहाँ पे सिस्टम में ज्वाइन करते हो तो सिस्टम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। 0.025 इथेरियम जाता है आपके फोर्सेस X3 में और दूसरा 0.025 इथेरियम जाता है फोर्सेस X4 में। तो अब देख लेते हैं ये फोर्सेस X3 और फोर्सेस X4 काम कैसे करता है, यहाँ से इनकम कैसे मिल सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं फोर्सेस X3 की। तो फोर्सेस X3 में आपको टोटल 3 स्लॉट्स मिलते हैं, और जब आप अपना पहला डायरेक्ट लगाते हो तो उसका 100% पे आउट आपको ही मिल जाता है। और ऐसे ही सेकेंड स्लॉट की बात की जाए तो सेकेंड स्लॉट में भी सेम 100% आपको ही आएगा, और जैसे ही आपका थर्ड ज्वाइनिंग करवाते हो तो वो भी 100% आपको ही आएगा, लेकिन वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। री इन्वेस्ट मतलब कि आपको ये तीनों स्लॉट्स दोबारा से खाली मिलेंगे और आप दोबारा से अर्निंग ले सकते हैं, और ये सिलसिला चलते रहेगा बार बार। और एक खास बात, जो री इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो आपके अपलाइन को जाएगा, आपके तीसरे व्यक्ति का 100% आपके अपलाइन को चला जाता है। तो ऐसे ही आपके डाउन की टीम का तीसरे बंदे का पैसा भी सीधे सीधे आप ही को आएगा। अब बात कर लेते हैं फोर्सेस X4 की। फोर्सेस X4 में टोटल 6 स्लॉट्स मिलते हैं। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 100% आपके अपलाइन को जाएगा, और स्लॉट 3, 4, 5 का पैसा 100% आपको आएगा, और स्लॉट 6 का पैसा भी 100% आपको आएगा, लेकिन वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ये पैसा आपके अपलाइन को चला जाता है। और ऐसे ही आपके डाउन में जब जब कोई व्यक्ति री इन्वेस्ट करता है, जितनी बार भी वो री इन्वेस्ट करेगा उसका 100% आपको मिलेगा। री इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसे मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों री इन्वेस्टमेंट फोर्सेस X3 के अंदर स्लॉट नंबर 3 होता है और फोर्सेस X4 के अंदर स्लॉट नंबर 6 होता है। इस ग्राफ पर आप ध्यान से देखें, फोर्सेस X3 के अंदर जो थर्ड वाला स्लॉट है, जब यहाँ पर कोई पर्सन आप ज्वाइन करवाते हो तो आप उसका 100% प्रॉफिट आपका री इन्वेस्ट हो जाता है। री इन्वेस्ट इसलिए होता है ताकि आप दोबारा से इसी प्रोसेस से अर्न कर सके। वैसे ही फोर्सेस X4 के अंदर स्लॉट नंबर 6 भी काम करता है। और एक खास बात है कि किसी भी स्लॉट्स के लिए कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, आप जब चाहें उसे फिल कर सकते हैं, कोई टाइमिंग का बाउंडेशन यहां पे नहीं है। दोस्तों यहां X3 एंड X4 दोनों में 12-12 स्लॉट देखने को आपको मिलेगा, और हर स्लॉट का यहाँ पर अपग्रेडेशन होता है। जो पहला स्लॉट है उसके डबल का अमाउंट दूसरे स्लॉट का अपग्रेडेशन होता है, और दूसरे स्लॉट की डबल तीसरे स्लॉट का अपग्रेडेशन होता है। तो ऐसे ही बाकी के स्लॉट्स का भी अपग्रेडेशन होता है, और आप यहाँ से इसी प्रोसेस से अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप इन सारे स्लॉट्स को इकट्ठे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही आप री इन्वेस्ट करते हैं डबल अमाउंट के साथ तो इनकम भी आपको डबल ही आती है। इस चार्ट में आप प्रॉफिट को देख सकते हैं, जहाँ फोर्सेस X3 और फोर्सेस X4 दोनों का चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ डिटेल्स में बताया गया है कि हर एक लेवल पर कितनी कितनी अर्निंग होती है। फोर्सेस X3 में टोटल अर्निंग 613 इथेरियम
डॉलर की अगर बात करूँ दोस्तों तो डॉलर में 153,338 डॉलर हो जाता है। वैसे ही फोर्सेस X4 में 817 इथेरियम, डॉलर में देखें तो 204,450 डॉलर की टोटल अर्निंग हो जाती है। अब देख लेते हैं इसमें ज्वाइनिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों ज्वाइनिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट को दोस्तों आप प्ले स्टोर या गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर 0.05 इथेरियम ऐड करिए। इथेरियम ऐड करने में अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्लिक करना होता है डैप के ऊपर। डैप के ऊपर क्लिक करके ऊपर की तरफ जो सर्च बॉक्स दिख रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप लीडर्स का वॉलेट नंबर भी मिल जाएगा, उसे कॉपी करके रख लें। तो सर्च में डालना होता है forces.io। तो जैसे ही आप इंटर करोगे आपके सामने हिस्ट्री में फोर्सेस खुल जाएगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना होता है। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपके अपलाइन मतलब कि अपलाइन के वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे मांगेगा। जो वॉलेट नंबर आपने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों वहाँ से कॉपी करके रखने के लिए मैंने बोला था, उसे आप कॉपी कर लें और यहाँ पे उस नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसे यहाँ पर इंटर करना होता है और उसके बाद ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर 0.05 इथेरियम को एंटर करिए और अप्रूव वाले बटन पर क्लिक करिए। और जैसे ही अप्रूव करते हैं आप यहाँ से अर्निंग करने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्लान फोर्सेस का। और अधिक जानकारी के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप लीडर्स का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज का फोर्सेस का प्लान आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।